चलिए आज देखते हैं डबल शेड में कैसे हम डिजाइन बनाएंगे। पहले दो अलग अलग पाइपिंग बैग में आप दो अलग अलग कलर भर लो। आप कोई भी कलर ले सकते हो। अब एक और पाइपिंग बैग को लेके ऐसे इसके टिप को कट कर लेना है। अब इस पाइपिंग बैग के अंदर ये दोनों को डालना है। ये जो व्हाइट और येल्लो दोनों पाइपिंग बैग को इक्वली डालना है। आपको जो कलर पसंद है वो कलर आप ले सकते हो। बस एक ऐसे ही आप देखिए कैसे मैं डाल रही हूँ, बराबर में आपको डालना है। देखे क्रीम वाले दोनों पाइपिंग बैग के पीछे को ऐसे आपको अच्छे से टाइट से पकड़ना है। ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है, अच्छे से आपको टाइट से पकड़ना है। अब दूसरे हाथ से तीनों को पकड़ना है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको अपने तरफ खींचना है। किसको खींचना है? जो दोनों पाइपिंग बैग में क्रीम है उसको खींचना है, आपके तरफ आपको खींचना है। बस देखिए बाएं हाथ के सहारे से उसको पकड़ी हूँ और दाहिने हाथ से उसको अपने तरफ खींच रही हूँ। इससे क्या होगा, क्रीम इक्वली तीसरे पाइपिंग बैग में चला जाएगा। अब एक पाइपिंग बैग के अंदर दो शेड के कलर हमने डाल दिए, क्रीम डाल दिए। अब हम कोई भी नोजल यूज करेंगे, उसमें जो भी डिज़ाइन बनाएंगे दो शेड के कलर आएंगे। तो पहले मैं एक इस तरह का डिज़ाइन ले लेती हूँ, ठीक है। अब इससे बनाते हैं, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। अब एक दूसरा पाइपिंग बैग लेके उसके अंदर ये नोजल को डालेंगे। अब इस पाइपिंग बैग के अंदर ये क्रीम वाला पाइपिंग बैग को डालेंगे, ठीक है। ये देखिए कैसे मैं डाल रही हूँ, आपको वैसे ही डालना है। अभी आपको दोनों पाइपिंग बैग को पीछे से अच्छे से मोड़ लेना है, इससे आपकी क्रीम बाहर नहीं जाएगी। ये मेरे पास फ्रीज में क्रीम था, इससे मैं आपको सिखा रही हूँ। थोड़ी सी रफनेस आपको डिज़ाइन में दिखाई देगी। आप जब अपना फ्रेश क्रीम से, एकदम नया क्रीम से करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा साइन आएगा, डिज़ाइन भी एकदम क्लीन आएगी। आप देख लीजिए आपको कौन से साइड में वाइट रखना है और कौन से साइड में येल्लो रखना है। पहले मैं ये तीन चार फूल एक साइड में करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा साइड में आपको दिखा दूँगी। ये देखिए यहाँ से येल्लो साइड को मैं पीछे की तरफ कर रही हूँ। ये देखिए इसलिए कर रही हूँ कि आपको जैसे करना है, आपको येल्लो और वाइट जो भी दो कलर यूज करेंगे आप जिस तरफ रखना चाहेंगे वैसे घुमा के इसको कर सकते हैं। अब दूसरा डिज़ाइन देखते हैं। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, हाथ को कैसे घुमा रही हूँ। आपको सेम वैसे ही करना है, एकदम स्लो हैंड से करना है आपको। जल्दीबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। अभी हम एक N1 नोजल से करेंगे। अभी मैं इसके अंदर से ये क्रीम वाली जो पाइपिंग बैग है इसको निकाल दूंगी। अब इसमें से जो नोजल है इसको निकाल लूंगी। इसको निकाल के ये N1 नोजल डाल के फिर N1 नोजल में हम ये डबल डिजाइन वाला करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे दो कलर में हम एक ही नोज़ल से हमें डिज़ाइन करना है लेकिन दो कलर से, उस टाइम हमें बार बार नोज़ल निकालना पड़ता है या तो दो नोज़ल रखना पड़ता है सेम। लेकिन इस तरह अगर आप करेंगे तो एक ही नोज़ल से आप दो कलर का डिज़ाइन एक साथ में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक पाइपिंग बैग निकालो, दूसरा डाला, वाइट का बना दिया डिज़ाइन, फिर वाइट निकाल के येल्लो का डाल दिया, फिर येल्लो बना लिया। अब ये देखिए ये स्टार नोजल है, एक साइड में येलो आ रहा है एक साइड में वाइट। अब ये वाली डिजाइन देखिए, ये वाली डिजाइन बहुत काम आएगी आपको। देखिए ये नीचे की तरफ येलो आ रहा है, अभी एक दो बना के मैं फिर साइड में ये देखिए येलो आ रहा है। इस डिजाइन में आपको हमेशा याद रखना है कि बीच में आपको गैप नहीं छोड़ना है। इसी दोनों शेड में आप रोज़ भी बना सकते हो, आपका रोज़ भी दो शेड में आएगा। कुछ भी बना सकते हो, कोई भी फ्लावर, कोई भी डिज़ाइन आपको बनाना है, बस आप नोज़ल चेंज करो और बनाओ।
शेड दोनों ही आएंगे। अभी मैंने आपको सिंगल कलर में कैसे बॉर्डर बनाना है दिखा दिया था, अभी ये डबल कलर में मैंने आपको बॉर्डर बनाना सिखा दिया। अभी देखिए ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन देखते हैं। ये देखिए, ये बीच में मैंने येलो कलर को रखा था, इसलिए बीच में तीन लाइन ये आया और दोनों साइड में वाइट आया। आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो। इसमें देखिए एक साइड में पूरा लाइन होके येलो आएगा और राइट साइड में वाइट आएगा। अभी मैं और एक नोज़ल चेंज करूँगी, क्रीम वैसे ही रहेगा। अभी मैं एक पत्ते वाला डिज़ाइन का नोज़ल डाल के दिखाती हूँ। आप इसी प्रोसेस में कीजिए, आपको बहुत इजी रहेगा। नोज़ल खाली आपको चेंज करना है, क्रीम वैसे का वैसे रहेगा। आप एक केक के अंदर दो तीन डिज़ाइन बना सकते हो। नोज़ल का जो मिडिल पोर्शन है बस उसी वहीं के बराबर में आपका दोनों कलर रहना चाहिए, जिससे आधे में येलो आएगा और आधे में वाइट आएगा। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ये भी बहुत सुंदर बॉर्डर बनेगा इससे, और साइड वॉल भी केक का इससे बहुत सुंदर लगेगा। या तो फ्रिल जैसे आप डिज़ाइन भी इससे बना सकते हो। ये देखिए दो शेड में पत्ते का डिज़ाइन है। क्रीम थोड़ा 10-15 दिन पुराना है, इसलिए उसका जो नोक है वो अच्छे से नहीं आ रहा। आप फ्रेश नया क्रीम से करेंगे तो ये अच्छे से आएगा। अब ये डिज़ाइन देखिए, इसको बस आपको आगे आगे पुश करके फिर पीछे पीछे लेके जाना है। आगे पुश करते जाना है और फिर पीछे पीछे लेके जाना है, जिससे आपको ये डिज़ाइन मिल जाएगा। अगर आपको तीन क्रीम से करना है तो जैसे मैंने दो क्रीम को पाइपिंग बैग में डाला, सेम वैसे ही आप तीनों क्रीम को एक साथ डाल के तीन शेड भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक पत्ते का लंबे पत्ते का डिज़ाइन है। साथ में ये जो साइड वॉल है केक का, वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हो। केक के टॉप और बॉटम बॉर्डर में भी इसको बना सकते हो। ये बहुत सुंदर लगता है। आपको इसको 4-5 बार मिनिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंगल शेड में हम कैसे करना है। जब आप रेनबो केक बनाते हो उस टाइम आपको सेम एक नोज़ल से आप अगर 2-3 या 4-5 डिज़ाइन बनाते हो, उस टाइम आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। इसको 3-4 कलर या 7 कलर के आप क्रीम अलग अलग पाइपिंग बैग में रख दिए और दूसरे एक पाइपिंग बैग में एक नोज़ल डाल दिए। एक का डिज़ाइन हो गया तो उसको निकाल के दूसरा डालो और करो। ये देखिए, बस ऊपर करके फिर नीचे ला रही हूँ। इस क्रीम में कहीं पे थोड़े से वाइट हैं, कहीं पे थोड़े से येलो हैं, एकदम मिक्स्ड नहीं है, तो ये शेडेड वाला क्रीम ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए, जब आप स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का केक बनाते हो उस टाइम आपको ये डिज़ाइन बहुत काम आएगा, क्योंकि जब 3-4 किलो का केक होता है तो बॉर्डर थोड़ा सा चौड़ा चाहिए होता है, तो वहाँ पे ये डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये डिज़ाइन मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी करवाया था, बस और एक बार दिखा देती हूँ। अगर आपने इतने ही डिज़ाइंस प्रैक्टिस कर लिए बॉर्डर के, तो आप सब केक बना सकते हो। ये और एक डिज़ाइन है, ये देखिए। ये देखिए, सब में आपको गैप बराबर रखना पड़ेगा। इसमें देखिए कई जगह पे वाइट और कई जगह पे येलो अलग अलग आया है, तो ये शेडेड में बहुत अच्छा लग रहा है। ये डिज़ाइन एकदम बिना गैप के है तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये अलग सा है
और ये बॉर्डर के लिए सबसे अच्छा डिज़ाइन है। आप इसको बहुत बार प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।